अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब बाजार। दोस्तों नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टेट बैंक की जॉब्स के बारे में। स्टेट बैंक का पाकिस्तान में जॉब्स अनाउंस हुई हैं काफ़ी बड़ी तादाद में, जिसमें आप लोग मेज़ और फीमेज पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जॉब्स हैं, हम आपको डिटेल से बताएंगे आपने कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और उसका जो मुकम्मल प्रोसेस है वो आपसे शेयर करेंगे। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, उसको स्किप नहीं करना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल जॉब स्टार सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको डेली बेसिस पे जॉब इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों डायरेक्टली चलते हैं वेबसाइट पे। आपने आ जाना है गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है जॉब स्टार 22, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस पहले लिंक पे जहाँ पे जॉब स्टार लिखा हुआ है यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पे स्टेट बैंक की जॉब्स मिल जाएंगी। आप यहाँ से ऐड को डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और इसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। और इस वेबसाइट का जो लिंक है आपको इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसका ऐड आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये जो ऐड है आप चेक कर सकते हैं 22 मार्च की डेली डॉन न्यूज़पेपर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट बैंक की जॉब्स हैं और इसमें काफ़ी सारे इसमें डिपार्टमेंट्स हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो इसका क्राइटेरिया है वो नज़र नहीं आ रहा है, मतलब क्वालिफिकेशन एज वगैरह इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है, वो भी आपको बताएंगे आपने कैसे चेक करना है। इसकी लास्ट डेट जो है ये 6 अप्रैल है। जैसे कि आपको पता है, अगर आप प्रॉपर व्यूअर हैं हमारे चैनल के तो आपको पता होगा स्टेट बैंक जो है वो काफ़ी टाइम से, मतलब 1 मंथ से जॉब्स जो है वो प्रॉपर अनाउंस करता जा रहा है। तो उसकी अभी तक प्रीवियस जॉब्स की भी अभी तक डेट है, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो यहाँ ये जो ऐड है इसकी डिटेल आपसे शेयर करते हैं। आपको पोस्ट पर लिंक नज़र आ रहा होगा फॉर डिटेल एंड अप्लाई। जब आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप स्टेट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर आप आ जाएंगे, ठीक है। तो 6 अप्रैल वाली मतलब जो जॉब्स हैं ये न्यू जॉब्स हैं, आप यहाँ तक चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो प्रीवियस जॉब्स हैं उनकी लास्ट डेट 30 मार्च है और यहाँ पे 24 मार्च की भी लास्ट डेट है जॉब्स की, तो ये भी आपने चेक कर लेनी है। तो हम न्यू जॉब्स की बात करते हैं। तो इसमें अगर आपने, जैसे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट है, ठीक है, अगर आपने इस पे अप्लाई करना है, इसका क्राइटेरिया चेक करना है, तो आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है तो आपके सामने इसका जो क्राइटेरिया है ये ओपन हो जाएगा। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन और उसके बाद यहाँ पे इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसमें मास्टर या बैचलर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, मतलब बीएस वाले। कौन से सब्जेक्ट में, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम में, या फिर आईटी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें अगर आपके पास बीएस या मास्टर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एज जो आपकी है ये 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप किसी और सब्जेक्ट का या और डिपार्टमेंट का यहाँ पे क्राइटेरिया चेक करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर है, तो आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है तो आपके सामने इसका क्राइटेरिया ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इसका क्राइटेरिया चेक करते जाना है। जैसे कि यहाँ पे ऑफिस कॉर्पोरेट सेक्रेटरी है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है तो आपके सामने इसका जो क्राइटेरिया है ये ओपन हो जाएगा। इसमें मास्टर या बैचलर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, बैंकिंग या फाइनेंस में, या फिर कॉमर्स या अकाउंटेंसी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपके पास इसमें मास्टर या बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तो इस तरह से आपने इनका जो क्राइटेरिया है वो चेक करते जाना है। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, इन तमाम सीटों के लिए आपने अपनी CV और विद कवर लेटर, ठीक है, वो आपने 6 अप्रैल से पहले यहाँ पे इस एड्रेस पे आपने सेंड कर देनी है। ये आपको यहाँ पे एड्रेस नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आपने 6 अप्रैल से पहले यहाँ पे अपनी जो एप्लीकेशन है वो सेंड कर देनी है। जॉइंट डायरेक्टर रिसर्च मैनेजमेंट HRD स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कराची, यहाँ पे आपने सेंड कर देनी है। अगर आप एलिजिबल हैं तो इसमें लाजमी अप्लाई करें, परमानेंट जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब्स हैं, तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।